मध्य प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी भोपाल में विसर्जन के समय एक नाव पलट गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा भोपाल की छोटी झील खटलापुरा घाट पर नाव पलटने से हुआ। इंडिया फर्स्ट न्यूज के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश प्रतिमा के पानी विसर्जित करने के दौरान नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और नाव पर मौजूद युवक पानी में जा गिरते हैं। इन युवक के पास ना तो कोई लाइफ जैकेट थी और ना ही आसपास कोई लाइफ बोट मौजूद थी। इन युवकों के पास ना तो कोई लाइफ जैकेट थी और ना ही आसपास कोई लाइफ बोट मौजूद थी। युवक मदद के लिए चिल्लाते रह गए, लेकिन वहां प्रशासन का कोई भी बंदोबस्त इन युवकों को बचाने के लिए मौजूद नहीं था। भाई जल्दी आ जाओ यार। इंडिया फर्स्ट न्यूज के सवाल, विसर्जन की अनुमति खटलापुरा घाट पर थी या नहीं? अगर अनुमति नहीं थी तो वहां रोकने के क्या इंतजाम थे? विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बोट, लाइफ जैकेट, गोताखोरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या? नाव हादसे में नाव चलाने वाले नाविक आकाश बाथम और चंगू बाथम के खिलाफ थाना जहांगीराबाद में केस दर्ज किया गया है। भोपाल हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना के मैजिस्ट्रेट जांच का आदेश भी दिया है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन की बात भी कही है। मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से 11 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।